दोस्तों एक और हस्ती, दोस्तों वो नौजवान है, वो यंग है, वो स्टूडेंट है, बहुत नाजुक सी उम्र में डिसीजन लिया अपनी जिंदगी बदलने के लिए, डिसीजन लिया अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए, डिसीजन लिया इस बात का कि एक दिन मेरी माँ भी स्टेज पर आकर के ये बोले कि मैंने सपूत को जन्म दिया है। इस चीज का डिसीजन लिया उसने कि मैं चाहता हूं आने वाले टाइम में ये होना चाहिए, इस बात का डिसीजन लिया। आइए उसका सफर, जीरो से हीरो तक का और फर्श से अर्श तक का उसने सफर कैसे शुरू किया और वो आज हमारे बीच में डायमंड बना है, तो वो कैसे बना उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको पहले वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं। यार हम लोग कॉलेज पढ़ने वाला एक नौजवान ज्वाइन करता है सिक्योर लाइफ, उम्मीदों और विश्वास से भरी कंपनी, और सन 2011 आते आते वह युवा जिंदगी की रेस में क्रूर से क्रूरतम वक्त को त्रास करके अपने माथे पर विजय तिलक लगाता है। सिंह का जन्म हुआ सन 1987, गांव वही जहां नटखट मुरलीधर, माखन चोर, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की खुशबू महकती है, वही जहां गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो की स्वर लहरियां नाचती है, मथुरा, हाँ मथुरा। वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर है एक खुशनुमा गांव नगला विसी। पिता श्री भाव सिंह, माता श्रीमती कस्तूरी देवी, पिता साधारण किसान और मां गृहिणी। छोटी सी किसानी, उसमें खुशियां उगाने की ढेर सारी कोशिशें पर विफलताएं, साथ ही 7 बच्चों के परवरिश की जिम्मेदारी। जसवीर जी की शिक्षा, पहली से 10वीं तक की शिक्षा गांव के ही स्कूल में, 10वीं के बाद की शिक्षा इंटर कॉलेज सादाबाद से। इसी दौरान खुद की पढ़ाई का खर्चा उठाने और परिवार की आर्थिक सहायता की नियति से काम करना दूध डेयरी में और परचूनी की दुकान में, और साथ ही करना पढ़ाई, कुछ कर दिखाने की जिद्दी ख्वाहिशें, लेकिन समय के काल शिकंजे में जकड़ा भविष्य। इसी दौरान BSA कॉलेज मथुरा से BBA करना ताकि मिल सके 10-15 हजार रुपए हर महीना, और इसी काल में आना जसवीर की जिंदगी में सिक्योर लाइफ का और शुरू होना दौर तरक्की का। मगर इस दौर में कम उम्र का होने की वजह से सुनना लोगों के ताने, अपमान के कड़वे घूंट, रिजेक्शन की त्रासदियां, कभी बस कभी टेम्पो में सफर करना, ढूंढना अपनी आगामी जिंदगी, घना अंधेरा, घनी परेशानियां और बदलावे का नामो निशान नहीं, लेकिन खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहरा मचा दो और सिक्योर लाइफ के लीडर्स के प्रोत्साहन से फिर उठ खड़ा होना जीत के लिए, और बनाना जोधपुर को कर्मस्थली, और फिर उगा देना उम्मीदों के आसमान में खुद का सूरज। तरक्की के लिए लगातार सिक्योर लाइफ के
टूल्स का अध्ययन, लीडर्स की किताबों पर पैनी नजर, समझना बिजनेस की बारीकी, रात रात भर जागकर जानना बिजनेस को। और उभर कर आना सशक्त वक्ता और कम उम्र के बड़े लीडर के रूप में। सन 2007 में श्रीमती अंजना सिंह से विवाह और अब एक फूल सी बेटी आयुषी के पिता। 2005 से 2011 तक के अल्प समय में जसबीर को सिस्टम ने जिस मकाम पर पहुंचाया है वही है मैजिक ऑफ सिक्योर लाइफ। आज जसबीर को खुशियां खरीदने के लिए प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी कार बिना डरे जिंदगी के रास्ते पर दौड़ती है। आज जसबीर अपने परिवार के साथ खुलकर खुशियां उड़ाते हैं, मुस्कानों की तितलियां उड़ाते हैं, बिना रोक टोक बड़ी बड़ी होटल्स में जाते हैं। आज वे एक सितारा जिंदगी जीते हैं। खुशियों की जमीन उनकी है तो आसमान भी उनका है। ये छोटे से परिंदे की जिद्दी उड़ान है जिसके कदमों तले तरक्की का आसमान है। क्या अब भी आप नहीं मानेंगे कि किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती? हम खुद अपनी किस्मत लिखते हैं। उम्मीदों पे आसमान पे सूरज खुद का उगाते हैं, हौसलों के पर लगा के वक्त से आगे जाते हैं। जो अपना मुकद्दर लिखते हैं मंजिल बुद्धि बनाते हैं, तूफानों से लड़ते हैं साहस पहने चलते हैं। सिक्योर लाइफ के रोशन तारे सिक्योर सबकी लाइफ करे, सबको दे सबसे सक्सेस फॉरएवर। लीड अस फॉरएवर, वो लीड अस, लीड अस, लीड अस फॉरएवर, वो लीड अस, लीड अस, लीड अस फॉरएवर।
बहुत धन्यवाद दोस्तों आपकी जोरदार तालियों के लिए, इतने प्यार, इतने सम्मान और इन फूलों के लिए। दोस्तों आज का दिन मेरी जिंदगी में तो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था शायद कि मैंने जिस दिन सिक्योर लाइफ को ज्वाइन किया था कि इस तरीके का भी सम्मान होगा और इस तरीके का भी दिन मेरी जिंदगी में आ सकता है। कुछ देर दोस्तों मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा, मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। जो कई ऐसे लोग हैं जो यहां पे आए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं, और उनकी आंखें कुछ ढूंढ रही हैं, कुछ चाह रही हैं कि कुछ ऐसा मिले जिससे जिंदगी में तरक्की हो जाए, कुछ ऐसी बात हमें मिल जाए जिसके माध्यम से हमारी लाइफ में परिवर्तन आ जाए। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों अपनी जिंदगी के बारे में दो चार लाइन बताने से शायद हो सकता है उसमें से कोई एक बात आपको पसंद आ जाए जिसकी वजह से कुछ आपको मिले। मैं जरूर अपने बारे में बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जसवीर ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद एक फ्रेशर एसोसिएट से और डायमंड शिप तक मैं आया। क्या आप सभी लोग जानना चाहते हैं? दिल से जानना चाहते हैं? मुझे कॉपरेट करेंगे? तो मैं जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करूंगा कि मेरा जन्म कैसे हुआ, मेरा पालन पोषण कैसे हुआ, ये सारी चीज आपने वीडियो के अंदर देख ही ली है। मैं वो चीज आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी में जहां से लोग हार मान लेते हैं, जहां जाकर के लोग ये बोलते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जिंदगी एक वहां से एक नया मोड़ लेती है, एक नया सवेरा होता है दोस्तों। और जिंदगी में जो भी कामयाबी का रास्ता होता है वो सिर्फ उसी जगह से खुलता है जहां हम उफ करने लग जाते हैं, जहां हमारे दर्द की सहन शक्ति खत्म होने लगती है दोस्तों, वहीं से रास्ता खुलने वाला होता है। तो कुछ बातें हैं दोस्तों, आज से तकरीबन 5 साल पहले मैं एक स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस प्लान को देखने के लिए आगरा में आया दोस्तों। मेरे बहुत ज्यादा बड़े सपने नहीं थे, नॉर्मल जिंदगी थी और नॉर्मल सपने थे। एक सीधी सी बात मेरी समझ में आती थी, जो मेरे घर वालों ने मेरे दिमाग में सॉफ्टवेयर डाला था, जो समाज ने मेरे दिमाग में सॉफ्टवेयर डाला था, जो मेरे रिलेटिव्स ने मेरे दिमाग में एक सॉफ्टवेयर डाला था, पढ़ लो लिख लो और नौकरी लग जाएगी। क्या? पढ़ लो लिख लो नौकरी लग जाएगी, यही सॉफ्टवेयर मेरे दिमाग में था और मैं यही सोच करके लगातार पढ़ाई कर रहा था। जहां सिक्योर लाइफ जैसा बिजनेस मुझे जानने को मिला, इसके बारे में जानकारी लेने से पहले मैं किसी भी मार्केटिंग टाइप की किसी चीज को, इंश्योरेंस टाइप की चीज को बिल्कुल भी जानता नहीं था। आज की मेरी प्रेजेंट एज 23.5 साल है, अगर आप इसमें से 5 साल निकाल देंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा आज से 5 साल पहले मेरी उम्र क्या रही होगी जब मैंने इस प्लान को देखा होगा। उस उम्र में मैं कुछ नहीं जानता था, सिर्फ मैं एक ही चीज जानता था, खाओ पियो ऐश करो और थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर लो। लेकिन दोस्तों जब इस प्लान को देखा, यहां बताई हुई जानकारियों को देखा, लोगों का जोश देखा, जुनून देखा, उनके अचीवमेंट देखे, वो सारी चीज देख करके मेरे अंदर भी जोश आया। मुझे भी लगा जसवीर ये सारी चीज अपनी भी जिंदगी में होनी चाहिए, अपने पास में भी ये सारे अचीवमेंट होने चाहिए जो आज यहां लोग ले रहे हैं। ये चीज देख करके मेरे अंदर एक जोश आया और मैं भी दोस्तों निकल पड़ा इस काम को करने के लिए। मैंने कोई सवाल नहीं किया, मुझे मालूम ही नहीं था कि इसको ज्वाइन करने के लिए कोई सवाल करना भी कोई जरूरी होता है क्या। मैंने तुरंत इस बिजनेस को ज्वाइन किया और दोस्तों मेरे दिमाग में एक ही बात आई थी, इतना शानदार बिजनेस है, अभी मार्केट में मैं जाऊंगा तो लोग लाइन लगा करके ज्वाइन करने वाले हैं। अभी तो जसवीर की लॉटरी लग गई, अभी समझ लो मार्केट में हमें जाएंगे और जाते तुरंत लोगों की लाइन लगेगी, लाइन लगा करके ज्वाइनिंग आने वाली है। सिक्योर लाइफ के अंदर अपन रिकॉर्ड बना के दिखाएंगे सबसे कम समय में ज्वाइनिंग कैसे आती है। लेकिन दोस्तों बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद जैसे ही मैं लोगों के पास गया और लोगों को मैंने जाकर के बताया कि भैया एक बहुत ही शानदार चीज है, आगरा में एक ऐसी कंपनी है जिसमें अंदर जाओ और बाहर निकलोगे तो करोड़पति बन जाओगे, एक ऐसी शानदार चीज है जिसमें अंदर जाओ और 10-15 मिनट बैठो बाहर आओगे तो करोड़पति बन जाओगे, तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया। लोगों ने ऐसा बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसी कोई चीज होती नहीं है, इतनी आसानी से पैसा कम ही नहीं सकता। तो मैं थोड़ा जिद्दी टाइप का व्यक्ति था और मैंने उन लोगों से बोला अगर विश्वास नहीं है तो चल के देख लो। और मैं कुछ लोगों को यहां आगरा प्लान में लेकर के आया और दोस्तों प्लान जब मैंने उन लोगों को दिखाया, मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये जो 10-12 लोग इस प्लान के अंदर मैंने बिठाए हैं इसमें से बाहर निकल